देवी से जुड़ी सबसे लोकप्रिय कथा उनके द्वारा महिषासुर के वध की है। महिषासुर एक आधा भैंसा राक्षस था जिसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। कई वर्षों के बाद ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। राक्षस ने अपनी आंखें खोली और भगवान से अमरता मांगी। ब्रह्मा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि सभी को एक दिन मरना होगा। तब महिषासुर ने कुछ देर सोचा और वरदान मांगा कि केवल एक महिला ही उसे मार सके। ब्रह्मा ने वरदान दिया और अंतर्धान हो गए। महिषासुर ने निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था, क्योंकि वह महिलाओं को शक्तिहीन और कमजोर समझता था। देवता चिंतित थे और वे त्रिमूर्ति के पास गए। त्रिमूर्ति ने अपनी शक्ति को संयोजित किया और अपनी दिव्य ऊर्जा आदि शक्ति कई भुजाओं वाली एक योद्धा महिला के योग को एक भौतिक रूप दिया। हिमालय के अवतार हिमवान ने अपनी सवारी के रूप में एक सिंह उपहार में दिया था। दुर्गा अपने सिंह पर सवार होकर महिषासुर के सामने प्रकट हुई, जहां राक्षस ने विभिन्न रूप धारण किए और देवी पर हमला किया। हर बार दुर्गा उसके रूपों को नष्ट कर देती थी। अंत में दुर्गा ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से मार डाला, जब वह एक भैंस दानव के रूप में परिवर्तित हो रहा था। इस प्रकार माता ने महिषासुर का वध करके सृष्टि का कल्याण किया। जय माता दी।